हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। चलिए देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। बट उस टाइम पे कंडीशन क्या थी कि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी। बट आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड भी हो तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी। हम थ्री डेरिवेशंस करेंगे आज। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। देखिए फ्रेंड्स, सपोज़ मेरे पास कोई चार्ज प्रेजेंट है इन्फिनिटी पे और मुझे इसको लेकर आना है पॉइंट पी पर। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब मुझे एक चार्ज को उठाकर लेकर आना हो इन्फिनिटी से, उस टाइम पर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती थी। बट यहाँ पर क्या है कि मेरे पास कुछ एक्सटर्नल फील्ड भी पड़ी है, तो मतलब यहाँ पर कुछ अगर फील्ड भी प्रेजेंट है तो इस फील्ड की वजह से पोटेंशियल भी प्रेजेंट होगा इस पॉइंट पर, जिसको हम लिखेंगे V ऑफ R। R क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। मींस ये V ऑफ R क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट P। मींस अगर हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर P पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं और हमारे पास कुछ एक्सटर्नल फील्ड भी वहां पर प्रेजेंट है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू। क्यू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज जिसे हम इन्फिनिटी से उठाकर पॉइंट पी पर लेकर आ रहे हैं, इन टू वी ऑफ आर। दैट इज़ पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। देखिए फ्रेंड्स, अब जो ये एक्सटर्नल फील्ड होती है, ये मुझे पता है कि ये प्रेजेंट है, बट इसका जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पे भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब मुझे एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता इस एक्सटर्नल फील्ड का, बट मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू पता होगी। तो मैं इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल बोल सकती हूँ कि वी आर होगा, और इसी की वजह से सिंगल चार्ज पर भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दैट इज़ क्यू इंटू वी आर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस जो कि इन्फिनिटी पे प्रेजेंट थे, क्यू वन एंड क्यू टू, और हमें इसे किसी फाइनाइट कॉन्फिग्रेशन पर लेकर आना था एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी? यू इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर। ये आई थी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन। अब इस केस में तो कुछ एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट ही नहीं थी। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल फील्ड भी प्रेजेंट हो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। सपोज अभी भी ये दो चार्जेस इन्फिनिटी पे प्रेजेंट हैं और मुझे इन्हें लेकर आना है किसी कॉन्फ़िगरेशन पे, आर डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर वन एंड इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर टू। आर वन इज़ दी पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, फॉर पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। एंड आर टू इज़ द पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। देखिए फ्रेंड्स, इस केस में हमारे पास
इस एरिया में कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। तो हम जब सबसे पहले Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर आए थे तो हमारा वर्क डन क्या था, जीरो। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो पोटेंशियल भी होगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वॉज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये थी फाइनल कॉन्फिग्रेशन, दिस वॉज फाइनल कॉन्फिग्रेशन, एंड ये क्या थी मेरे पास, इनिशियल कॉन्फिग्रेशन। अब इनिशियल कॉन्फिग्रेशन कहाँ पे पड़ी है, इन्फिनिटी पे पड़ी है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी हम एज्यूम करके चलते हैं क्या है, ज़ीरो। सो मेरे पास यू आई की वैल्यू तो हो गई ज़ीरो, मींस ये हो गई ज़ीरो, और डेल ऑफ यू क्या था मेरे पास, यू ऑफ फाइनल विच इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, सॉरी पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एंड नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं डेल यू की वैल्यू, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। हमारे पास दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2, ये कहाँ थे, इन्फिनिटी पे प्रेजेंट थे, और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे पहले मैं चार्ज Q1 को उठाकर लेकर आऊँगी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पर, राइट। तो अब इस चार्ज पर कितना वर्क होगा, डेल ऑफ यू इज इक्वल्स टू यू इनिशियल, हमने एजम्पशन ले रखी है दैट इट विल बी ज़ीरो, बिकॉज इनिशियली कहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पर, और पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो मतलब अगर मैं फाइंड करूँगी यू एफ, जो मुझे पता चलेगा डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस से, तो मुझे पता चल जाएगी इस फाइनल कॉन्फिग्रेशन पर पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू है। आपको जो पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है, अभी सारा काम हम किस में कर रहे हैं, अंडर द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्ज Q1 को लेकर आए, तो इसके ऊपर वर्क कितना हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी, सपोज दिस इज पॉइंट पी, Q1 को जब हम मूव कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, Q इंटू वी ऑफ R1, इसका पोजीशन वेक्टर रहेगा R1। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, सेम वैसे ही, ड्यू टू अ सिंगल चार्ज क्या होता है वर्क डन, Q इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, और ये पोटेंशियल किसकी वजह से है, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड। पिछले केस में नहीं थी ये, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था उसमें नहीं थी पोटेंशियल, उसमें ये वैल्यू क्या आती थी ड्यू टू सिंगल चार्ज, जीरो आती थी, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड ही प्रेजेंट नहीं थी। बट यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल चार्ज को उठाकर लेके आने पे भी हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, कितने अमाउंट का, क्यू इंटू वी ऑफ आर। अब हम फाइंड करेंगे कि अगर मुझे क्यू टू को उठाकर लेकर आना है इन्फिनिटी से किसी फाइनल कॉन्फिग्रेशन में तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। देखिए, अब मैं Q2 को उठाकर लेकर आती हूँ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में किसी डिस्टेंस R में। अब आप देख सकते हैं, जब मैं Q2 को उठाकर लेकर आ रही हूँ तो मुझे दो तरह का वर्क करना पड़ेगा, कितने तरह का, टू टाइप्स का वर्क। कौन सा, एक होगा ऑपोजिट टू दिस एक्सटर्नल फील्ड और एक होगा ऑपोजिट टू दिस Q1 एक्सटर्नल फील्ड, इसकी वजह से भी कुछ फील्ड आएगी, इसकी वजह से भी कुछ फील्ड आएगी, और ऑलरेडी मेरे पास एक्सटर्नल फील्ड तो है ही, तो इसलिए मुझे Q2 को जब इन्फिनिटी से उठाकर किसी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना है तो मुझे दो टाइप के वर्क करने पड़ेंगे। उन दो टाइप के वर्क्स की वैल्यू क्या आएगी, चलिए देखते हैं। अगर मुझे Q2 को उठाकर लेकर आना है इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहला वर्क जो Q1 के अगेंस्ट होगा उसकी वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में फाइंड करी थी, वो क्या आई थी, K
Q1 Q2 by R12. R12 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2. अब यहाँ पर एक और वर्क करना पड़ेगा, वो क्या होगा? दैट विल बी Q2 into V of R. जैसे इस पॉइंट चार्ज के केस में हमें करना पड़ा था, ऐसे ही इस Q2 पॉइंट चार्ज के केस में भी एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट एक वर्क करना पड़ेगा, दैट इज Q2 into V of R. तो टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल ऑफ यू इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q1 एंड वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2 बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. Q1 की वजह से वैल्यू क्या आई है? Q इंटू वी ऑफ R1 प्लस Q2 की वजह से वैल्यू क्या आई है? दिस प्लस दिस, दैट इज K Q1 Q2 बाय R12 प्लस ऑफ Q2 इंटू V of R. This is the total amount of work done in bringing two charges, that is Q1 and Q2, from infinity to a finite configuration. अब हम थर्ड केस पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे बनाती हूँ? स्ट्रेट लाइन्स, पैरलर एंड इक्वली स्पेस्ड. ये मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वाली वीडियो में. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल प्रेजेंट है. डायपोल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, और इनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? इक्वल, और इनके साइन क्या होते हैं? ऑपोजिट. ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स लगेगा, और फोर्स क्या होता था? फोर्स इज इक्वल्स टू Q into E vector. और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी. मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस चार्ज पर फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगेगा? टुवर्ड्स राइट. अब आ जाइए इस चार्ज पर. ये चार्ज क्या है? नेगेटिव. तो अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ माइनस ऑफ QE, आप देख सकते हैं ये नेगेटिव साइन. इसका मतलब क्या है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस चार्ज पर फोर्स किस साइड लगेगा? लेफ्ट साइड, दैट इज दिस. उसके बाद हमने नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करी थी. नेट फोर्स की वैल्यू क्या आई थी? प्लस ऑफ QE माइनस ऑफ QE, दैट इज इक्वल्स टू जीरो. और मैंने आपको बोल दिया था कि ये जो डायपोल है ये क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में. किस में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में. उसके बाद हमने एक और केस डिस्कस किया था कि ये इस चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो अलोंग दिस लाइन लग रही है, और इस चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो अलोंग दिस लाइन लग रही है. मतलब लाइन ऑफ द फोर्स क्या है? सेम नहीं है. तो इस केस में मेरे पास नेट फोर्स तो ज़ीरो आएगा बट टॉर्क की कुछ वैल्यू आ जाएगी. इस रोल में क्या आ जाता था हमारे पास? टॉर्क. और हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाला था. क्या निकाला था याद कीजिए? टॉर्क वॉज P क्रॉस E. इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और P विल बी अलोंग दिस. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये है P. P क्या था याद कीजिए? मैंने आपको बताया था P वॉज डायपोल मूवमेंट. और P की वैल्यू क्या आती थी? Q into 2A. क्यों? ये जो चार्ज प्रेजेंट है इसका मैग्नीट्यूड, और 2A क्या रहता था? डायपोल का दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस. ये सब पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं, हम जल्दी से बस रिवाइज कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इन सब पॉइंट्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस डेरिवेशन में. ठीक है, ये होता था मेरे पास सेंटर ऑफ द डायपोल, एंड पी और ई के बीच में जो एंगल होता था वो होता था थीटा, ये वाला एंगल. अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने इस डायपोल को प्लेस कर दिया है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कुछ फोर्स की वैल्यू तो आ गई मेरे पास ज़ीरो, बट नेट वर्क की वैल्यू का एक और फॉर्मूला होता है जो कि टॉर्क से रिलेटेड होता है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू टॉ डी थीटा. इन दोनों का वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, राइट.
अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता था पी ई साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट था। अब आप देख सकते हैं कि टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब टॉर्क क्या है, वेरिएबल है, तभी मैंने ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। अगर टॉर्क थीटा पे डिपेंड ना कर रहा होता तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा सकती थी दैट वर्क इज़ इक्वल्स टू टॉर्क इंटू थीटा, बट अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, बिकॉज टॉर्क इज़ डिपेंडिंग अपॉन थीटा, मतलब टॉर्क हमारा वेरिएबल है, इसीलिए मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये कुछ एंगल था थीटा वन, और अगर मैं इस डायपोल को रोटेट कर देती हूँ इन दिस डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये नेगेटिव इधर, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा टू। मीन्स मैंने डायपोल को रोटेट कर दिया है फ्रॉम द एंगल थीटा वन टू एंगल थीटा टू, और इस डायपोल पर टॉर्क किस डायरेक्शन पे लगती थी, ये मैंने आपको करवाया था, क्लॉकवाइज लगती थी। मीन्स टॉर्क लग रही है इस साइड और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डी थीटा मेरे पास लेफ्ट साइड को जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज को जा रहा है, और टॉर्क मेरे पास जा रहा है क्लॉकवाइज, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री का। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये वर्क क्या है, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज इक्वल्स टू टॉ डी थीटा कॉस ऑफ 180। ये 180 आपको समझ आ गया कहाँ से आया, बिकॉज टॉर्क हमारी क्लॉकवाइज लग रही है और रोटेशन में दे रही हूँ इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 180 का, और कॉस ऑफ 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 टॉर्क इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, दैट इज पी ई साइन थीटा माइनस ऑफ पी ई साइन थीटा डी ऑफ थीटा। अब P भी कांस्टेंट है बिकॉज P इज इक्वल्स टू Q इंटू टू ए, तो Q तो पता ही है हमें फिक्स होता है, डिस्टेंस भी फिक्स है, तो P क्या हो गया, कांस्टेंट। इसको आप ले लीजिए बाहर इंटीग्रेशन से, ये माइनस साइन ये वाला साथ में चलेगा, P बाहर आ जाएगा, E साइन ऑफ थीटा d ऑफ थीटा, और इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रहेंगी, अब आप वेरिएबल देख सकते क्या है, d ऑफ थीटा, तो पहले मेरे पास थीटा था थीटा वन और फिर हो गया थीटा टू, ये हो गया थीटा टू, तो मेरे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रहेंगी, थीटा वन टू थीटा टू। इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके, वर्क डन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से माइनस ऑफ पी ई इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वन टू थीटा टू साइन थीटा डी ऑफ थीटा। ई को मैंने क्यों बाहर निकाला है, बिकॉज ई भी क्या है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का केस हम नहीं डिस्कस करते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ई क्या है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है हर जगह ई, तो मैंने इसीलिए उसको भी इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल दिया है। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताइए क्या होती है, माइनस ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ जाएंगी। उसके बाद वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो प्लस ऑफ पी ई कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, ये मेरे पास वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेज आ जाएगा। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेज इज पी इंटू ई कॉस ऑफ, पहले हम अपर लिमिट डालते हैं, दैट इज थीटा टू माइनस ऑफ थीटा वन। अब हमारे पास ये वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेज आ गया, और ये वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अब यहाँ पर यू ऑफ थीटा टू माइनस यू ऑफ थीटा वन इज इक्वल्स टू ये वैल्यू, दैट इज पी ई कॉस ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है किसी एंगल,
थीटा टू पे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था अगर मुझे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि इनिशियली वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पर, और मैंने वी ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू अज्यूम कर ली थी कि ज़ीरो हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या है, इनिशियली हमारे पास किसी एंगल पर प्रेजेंट है थीटा वन, तो यहाँ पर हम अब क्या अजम्पशन लेंगे, अजम्पशन दैट थीटा वन इज 90 डिग्री एंड यू ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एजम्पशन, ये आपको याद करनी है। ये एजम्पशन ले रहे हैं हम कि इनिशियली थीटा वन क्या था, 90 डिग्री, एंड यू ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ई कॉस ऑफ थीटा टू माइनस 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब कॉस ऑफ 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो मतलब यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई पी ई कॉस ऑफ थीटा टू, ये मेरे पास वैल्यू आ गई यू ऑफ थीटा टू की, और ये किसके इक्वल था, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि डेल्टा ऑफ यू इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा चलेगा साथ में। तो मतलब हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा टू का, वो आ जाएगा यू ऑफ थीटा टू इज़ माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ थीटा टू। इसको आप डॉट प्रोडक्ट यूज़ करके क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पी डॉट ई। हमारे पास एग्जैक्ट जो लास्ट में फॉर्मूला बनेगा वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी एट सम एंगल थीटा टू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी डॉट ई। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ केसेस रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला। देखिए फ्रेंड्स, यू ऑफ थीटा की वैल्यू क्या निकली थी, माइनस ऑफ पी डॉट ई, इसको मैं लिख सकती थी माइनस ऑफ पी इंटू ई कॉस ऑफ थीटा। तो हम थ्री केसेस डिस्कस करेंगे जब थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जब थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। देखिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मींस इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है अलोंग दिस साइड तो मेरे पास डायपोल कैसे प्रेजेंट होगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज एट 90 डिग्री। नेट टॉर्क इस केस में क्या आ जाएगा, पी क्रॉस ई, दैट इज पी ई साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, मींस पी ई साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, मींस टॉर्क की वैल्यू आ गई पी इंटू ई। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास टॉर्क की, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड केस जिस पे मेरे पास एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 डिग्री। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी है इसी साइड, दैट इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच में एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री, और टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी P क्रॉस E, दैट इज P E साइन ऑफ 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, मीन्स टॉर्क मेरे पास क्या आ गया, 0। फोर्स नेट तो आपको पता ही है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि फोर्स नेट की वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। तो अब हमने जो केस डिस्कस करना था वो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। हमने दोनों केसेस में टॉर्क की वैल्यू फाइंड कर ली, फोर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पर पिछले केस में देखिए, पहले पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस कॉन्फिग्रेशन के लिए जब मेरे पास एंगल 90 डिग्री था वो क्या थी, 0, बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। इस केस में क्या आ जाएगी, यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ 0 डिग्री, मीन्स यू इज माइनस ऑफ पी ई। तो पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हैं नेगेटिव में आ रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जब आपके साथ ये केस डिस्कस किया था डायपोल का, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल।
स्टेबल मैंने क्यों बोला था, बिकॉज इसमें फोर्स की वैल्यू भी जीरो आ रही थी और टॉर्क की वैल्यू भी जीरो आ रही थी। तो जब फोर्स की वैल्यू जीरो है मीन्स वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, और जब टॉर्क की वैल्यू जीरो है तो मतलब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो मूव भी नहीं कर सकता और घूम भी नहीं सकता। तो वो बेसिकली क्या है, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या चाहती है कि डायपोल हमेशा उसी की तरफ अलाइन हो। तो पी और ई की डायरेक्शन सेम हो गई तो मतलब ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मिनिमम। आप देख सकते हैं हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है एटम्स के बारे में, जब एटम्स स्टेबल स्टेट में होते हैं, ग्राउंड स्टेट में, यानी कि उनकी एनर्जी कम होती है, मिनिमम होती है। तो जब भी हम बोलते हैं कोई इंसान, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल स्टेबल कंडीशन में है तो उसकी एनर्जी हमेशा मिनिमम रहती है। तो जीरो डिग्री के केस पे क्या हो जाएगा, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट केस जो कि है थीटा इज इक्वल्स टू 180 का केस। देखें, अगर मेरे पास थीटा इज इक्वल्स टू 180 है मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में और डायपोल प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में। डायपोल की डायरेक्शन आप सबको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव मींस इस साइड, और इस केस में नेगेटिव टू पॉजिटिव मींस दिस साइड। तो थीटा क्या आ गया, 180, जो हमें चाहिए था थर्ड केस में। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे टॉर्क की वैल्यू। टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, दैट इज पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क पी ई साइन ऑफ 180, और साइन ऑफ 180 की वैल्यू भी क्या रहती है, जीरो। मीन्स टॉर्क इस केस में भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ 180, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ 180 की वैल्यू क्या रहती है, माइनस वन। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ गई प्लस ऑफ पी ई, मीन्स इस कॉन्फिगरेशन पे जब थीटा 180 है इस टाइम पे मेरे पास मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और इस टाइप के इक्विलिब्रियम को मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मीन्स अगर मैं इस केस में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करूँगी, अगर मैं इस डायपोल में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करूँगी तो ये कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, ये चाहेगा मैं और उस साइड को मूव करी जाऊँ। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहती है कि डायपोल उसी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो ये थी हमारी आज का सारा टॉपिक, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स।